नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके सामने आज भोजपुरी जगत की खूब सारी ढेर सारी खबरें और चटपटी और मसालेदार लेकर। तो चलिए अपने काउंटडाउन को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज है इंटरनेशनल योग दिवस। इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी सेलिब्रिटी अपने योगा करने की फोटो पोस्ट कर रहे हैं और ऐसे में हमारा भोजपुरी जगत क्यों पीछे रहे। इस मौके पर कई भोजपुरी एक्ट्रेस और कई भोजपुरी सुपरस्टार जैसे कि रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ, इन्होंने भी योग करते हुए अपनी फोटो पोस्ट की है जो काफी बज क्रिएट कर रही है। तो चलिए, ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ और रवि किशन, और अब आगे चलते हैं और पहुंचते हैं पवन सिंह के पास। जी हाँ, आज पवन सिंह को लेकर हमारे पास दो खबरें। पहली खबर कब रिलीज हो रही है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं क्योंकि इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं लोग। इस मूवी में पहली बार पवन सिंह के साथ फुल फ्लेज रूप में यानी कि हीरोइन के रूप में आम्रपाली दुबे दिखने वाली हैं और शेर सिंह कई मायने में बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म के प्रोड्यूसर इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं उसे देख कर ये लगता है कि यह फिल्म बहुत ही एक्सपेंसिव बनने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग बाहर भी होने वाली यानी कि विदेश में भी होने वाली है और आपको बता दें यह फिल्म दशहरे के मौके पर रिलीज हो रही है। जी हाँ, ये एक बड़ी ही एक्सक्लूसिव जानकारी है और लोगों को काफ़ी खुशी होगी ये जानकर, यानी कि पवन सिंह के और आम्रपाली के फैंस को जानकर ये खुशी होगी कि यह फिल्म दशहरे के मौके पर रिलीज हो रही है। और अब चलिए अपने नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो खबर ये है कि पवन सिंह अपनी दुल्हनिया लेकर यानी कि ज्योति सिंह के साथ मुंबई आ चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय से ये दोनों मुंबई से दूर थे। पवन सिंह अपना चुनावी दौरा जो कर रहे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे, इस वजह से बिजी थे और उनके बिजी रहने के कारण और उनकी वाइफ ज्योति सिंह अपने मायके में थी जो बैक टू मुंबई हो चुके हैं। इसी बीच ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि इन दोनों के बीच खटास थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। और अब आगे चलते हैं और आपको एक और धमाकेदार न्यूज देते हैं। न्यूज ये है कि खेसारी लाल यादव पे तोहमतें लग रही हैं। खेसारी लाल यादव ने मुजफ्फरपुर में जिस तरह से हादसे हुए हैं बच्चों के साथ, उसे पर चिंता जताई थी, उसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव दिखावा बंद कीजिए, बस हो गया बच्चों को लेकर, एटलीस्ट दिखावा मत कीजिए, जो आप कर रहे हैं वो सही है तो उसे शांतिपूर्वक कीजिए। आपको बता दें कि बिहार में चमकी बुखार से अभी तक 140 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके लिए खेसारी लाल यादव उन चमकी बुखार में जो बच्चे ग्रसित हैं उनसे मिलने गए थे और उन्हीं के हॉस्पिटल में 100 क्विंटल, ऐसा बताया जा रहा है कि 100 क्विंटल ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराई है खेसारी लाल यादव ने, लेकिन फिर भी वो ट्रोल किए जा रहे हैं जिससे वो काफ़ी दुखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज एक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है काजल। लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है क्योंकि फिल्म वुमेन ओरिएंटेड है। इस फिल्म की मुख्य नायिका है काजल यादव और फिल्म में वो एक वकील का यानी एडवोकेट का रोल प्ले कर रही हैं। और जाते जाते आपको कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स के साथ छोड़े जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फोटोज में पवन सिंह दिखेंगे और उनकी आने वाली फिल्म जय हिंद के स्टार कास्ट दिखेंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है और यह फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।